समझ में आ गया ना जंगल की कहानी टाइगर के पीछे। बजा दी ना बैंड तो पूरी बैंड बजा डालती है और वसूल तो एक ही बार में पूरा वसूल। पर रिस्क तो लेना पड़ेगा नो डाउट, पर रिस्क किस पे ले रहे हो वो भी सोच समझ के, ऐसा नहीं कि किधर भी रिस्क ले रहे हो। उसमें क्या टाइगर तो यहाँ मिल जाएगा आपको, या अभी रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ करना है। ये कहानी दो बहुत ही अलग सोच पे है, जहाँ एक जगह हम अपने आप की गलत डिसीजन की वजह से किस्मत को कोसते हैं तो दूसरी जगह शायद हमारी किस्मत ही खराब होती है। पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के करीब तूरिया नाम का एक छोटा सा गांव है, जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट बाघ देखने की तमन्ना लेके आते हैं। यहाँ के लोग सीधे या प्रत्यक्ष रूप से इन जंगलों के ऊपर निर्भर है और ये जंगल बाघ के ऊपर। तो अगर टूरिस्ट को बाघ नहीं दिखा तो इसका सीधा असर यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ता है। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में अगर टूरिज्म बचाना है तो यहाँ के टूरिस्ट को बाघ दिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से एक अनदेखी भूत जैसी दो सोच यहाँ हमेशा टकराती है, एक जो दिमाग और अनुभव को मानती है और दूसरी सिर्फ किस्मत को। कल मैंने बोला भाई आज होगा ना टाइगर, आज 100% एक तो उतर के जाएंगे। वो वहां तक जाके देखो ब्रिज के आगे तक, टाइगर ढूंढने के लिए पहला तो है कि आपको उसका हैबिटेट का जानना जरूरी है, और हैबिटेट जानने के बाद जो टाइगर का जो मूवमेंट होता है, कहाँ कहाँ से वो ट्रेल अपना खुद का यूज करता है, उस ट्रेल को अपडेट रखना, आप चाहे माइंड में रख सकते हो, नोटबुक में रख सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रेल होते हैं उसका पूरा का पूरा सही नॉलेज होना चाहिए आपको, उस ट्रेल का जो टाइगर को ट्रेस करते हैं आप और जो देखने की बात करते हैं, तो ट्रेल का अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अभी आपने कहाँ तक देखी, इधर तक नहीं, इधर नहीं, वो उधर के रोड पर जो पहले जो जहाँ पे आप रुके थे, हाँ, वही पर इधर वहाँ पे और उसके उधर वाला रोड पे वहाँ पे भी दिखा इधर दो बार, तो उसकी मूवमेंट किस तरफ है, इधर ही थी लेकिन इधर आई नहीं, वो बीच में रुक गई। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट दो हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि ये दो सोच। जंगल के अंदरूनी हिस्से को हम कोर जोन बोलते हैं और जंगल के बाहरी हिस्से को हम बफर जोन कहते हैं। टाइगर के लिए ये जोन मायने नहीं रखता, पर फिर भी उसे एक अच्छे साम्राज्य की तलाश होती है, जहां ढेर सारा खाना हो, पानी हो, छुपने के लिए जगह हो। एक अच्छी जगह की तलाश में भटकता हुआ बाघ क्या ढूंढना इतना आसान है? क्या उस बाघ का हम ट्रेल रख सकते हैं, या वो एक लक के कारण दिखने वाला बाघ होगा? मेरा मानना ये है कि लक भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सबसे पहले हम फुटमार्क से अपन चेक कर सकते हैं कि टाइगर किस साइड मूवमेंट हुआ है, साइडिंग हुई है, उस तरीके से अपन टाइगर ढूंढने में मदद होती हो जाती है, और एक तरह से लक भी जरूरी होता है एक टाइगर ढूंढने के लिए। फायदा भी किसी को मिल ही जाता है एकदम से। यहाँ से कॉलिंग चल रही है से, कुछ लोगों ने एक ही गाड़ी में शायद एक फीमेल को देखा था क्रॉस होते थे, तो इसी डायरेक्शन में गई है, तो अंदर से एकदम बस कॉलिंग चल रही, तो
सांबर का कॉल है, इसका मतलब फिक्स फिक्स है। सांबर आज करते पीछे भी गाड़ी है। इसको गाड़ी गाड़ी बनते सांबर को कब इधर हुआ किधर हुआ सांबर का तो मुझे ऐसे इस साइड में लग रहा लाइट में। कई बार जानवरों के अलार्म कॉल समझना भी जरूरी होता है, पर अक्सर ये धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति ही इसकी असली पहचान कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे क्यों आया वो घर पे जाने का बता। जंगल में अगर टाइगर को ढूंढना है तो सबसे मेन चीज होती है उसके पगमार्क। पगमार्क ही हमें बाघ की मूवमेंट के बारे में जानकारी देते हैं, पर यहाँ मेन क्वेश्चन ये होता है कि ये पगमार्क किस समय के है, अभी के है या कुछ घंटे पहले के है या कल रात के है। अगर ये हमने गलत समझा तो शायद हम बाघ की उल्टी दिशा में बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे पूरा दिमाग और अनुभव ही अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि कुरेगढ़ लौट के जाता है जिधर इधर। उस वक्त तो ना मुझे पता होता है ना उनको पता होता है कि कब कहाँ मिलेगा वो, तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग ये बन जाता है कि मुझे उस एक खुले जंगल में एक बड़ा चैलेंज है टाइगर ढूंढना। तो टाइगर इतना इजी नहीं है जो वो सोच के आता है कि टाइगर देखूंगा बड़ा मज़ा आएगा मुझे और ये और वो सब जो सोच के आता है वो दिमाग में। अंदर वहाँ तक जाके आते वापस वो चढ़ाव तक वो वहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग के पंजे लगे मेल के, मेरे को तो लग रहा है कि वो भी ना हो। वो वनचौकी रोड पे जा रहे थे ना बहुत, वहाँ पे तो हमेशा ही मिलते रहते हैं नए पुराने। नहीं वो मेल के होंगे फीमेल के तो क्या सुबह को फीमेल को देखते हैं। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर चेक करके भले ही हम टाइगर के पग मार्क से उसकी मूवमेंट पता कर भी ले, पर क्या हम उसी पग मार्क से उस टाइगर की पहचान कर सकते हैं? ये जो टाइगर की पहचान है, जैसे हमारे यहाँ अराउंड मोर देन 70 टाइगर्स अभी पेंच में हैं, तो जो पहले होता था पग मार्क से दिखते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पग मार्क से ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी क्लियर पग मार्क्स भी नहीं आते, या फिर जो अपना लैंडस्केप है ऐसा नहीं है जहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकें दो डिफरेंट टाइगर में। तो बेसिकली जगह जगह हम लोग कैमरा ट्रैप भी लगाते हैं जिसमें उन दोनों साइड से लगाते हैं, टाइगर का दोनों व्यू आता है लेफ्ट और राइट से, और जो भी स्ट्राइप्स होते हैं ना वो उससे कंपेयर करते हैं हम लोग स्ट्राइप से, फिर उसका डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं एग्जैक्टली कि ये टाइगर दूसरा है और वो जो टाइगर दिख रहा था वो दोनों डिफरेंट टाइगर हैं। इसके अलावा पग मार्क भी हेल्पफुल है, हम लोग पग मार्क्स के लंबाई और चौड़ाई जो लेंथ बीटते हैं वो भी नाप लेते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है कि कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई में है, तो उससे भी हम लोग टाइगर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जंगल सफारी के बाहर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग जंगल के ऊपर निर्भर हैं। उनमें से एक गांव यहाँ की सुनहरी मिट्टी से अपना गुजारा कई सालों से करते आ रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के आंखों के सामने बजधार गांव यहाँ की मिट्टी से अपनी नायाब कलाकारी से हमें चौंका देता है। हम लोग पहले राजस्थान से आए हैं, हम लोगों के परदादा वगैरह, पहले हमारा माल आधे गाँव हर्री इधर नरसिंहपुर तरफ जाता था सर, जिससे खाना बनता था और शादी ब्याह में भी यही काम चलता था सर, शादी ब्याह का।
और उसके बाद में फिर जो हमारा ये नेशनल पार्क खुला तब से टूरिस्ट लोग आना जाना कर रहे हैं। हम लोग बनाते हैं, बनाने के बाद में उसको पकाना पड़ता है, जिसमें 10 रोज 12 रोज अंदर ही अंदर सुखाना पड़ता है। उसके बाद में भट्टी में रखते हैं, भट्टी से फिर निकाल के और लोगों को दिखाते हैं। नहीं नहीं, हम तो इसी के ऊपर निर्भर है मैडम, जो भी बच्चों की शादी ब्याह के लिए जो भी है इसी से कमाते हैं और इसी से काम कर रहे हैं, और मेरी कोई खेती वगैरह नहीं, इसी से गुजारा होता है। आज का पानी कल भी पियोगे तो खराबी नहीं करेगा, इस मिट्टी के बर्तन में ठंडक भी रहता है। जैसे आप फ्रिज का पानी पियोगे तबीयत खराब हो जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तबीयत खराब होगी। और जो मिट्टी का पॉट रहेगा सर आपका, उसमें जो पीने और खाने से सर उसका स्वाद अलग ही आएगा आपको सर, मिट्टी का स्वाद कुछ अलग, मतलब सौंधी सी खुशबू अलग ही आएगी सर, और खाने का लाभ भी आपको अलग मिलेगा सर, और बीमारियाँ भी उसमें आपको बहुत सी मतलब ख़त्म होती जाएंगी सर। ये नेचर हमें सब कुछ देता है, सिर्फ हम उसे देख नहीं पाते। जिस मिट्टी के ऊपर से हम चलते हैं, वही मिट्टी के बने बर्तनों से हम पानी की घूंट भी पी सकते हैं। ये प्रकाश और उसके पिताजी जैसे लोगों ने हमें अच्छी तरह से समझाया। सो गाइज, वी आर एट पसदार, ये पॉटरी विलेज के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे हर घर इस गांव में, जो भी कुछ घर है वो हर घर इस लगभग इसी व्यवसाय में है, जो मिट्टी के बड़े छोटे और बहुत टाइप्स के वैरायटी के बर्तन बनाते हैं, और ये इनका सालों से इस बिजनेस में है, इस व्यवसाय में है। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जो अपने पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नज़दीक ये बनाते हैं। तो ये विलेज में डेफिनेटली विजिट करना, और इनसे कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ मिट्टी की बनी हुई लेके जा रहा। अरे ये यहाँ लकड़ी बिछाए ना उसके आगे वो जो पत्थर है, हाँ, थोड़ा सा ऐसा है वो, एक बार फीमेल बैठी थी उधर, बोल रहे लकड़ी बिछाए थे, थोड़ा सा घाट है, हाँ घाट नहीं है कि थोड़ा सा आगे भैया यहाँ पे, और जस्ट वहीं से घुसा अंदर। मनोज तू इकड़स रहा पर मैं इधर रहता, थोड़ा मांगोगे सुनना सोनू टाइगर लग रहा है। हाँ हुआ हुआ हुआ, कॉलिंग हुआ। ये इस तरफ ऐसा पीछे की साइड ऐसा क्या है? ये पेड़ पे मार्क किया ना, वो देखो गीला दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, वो सामने वाला पेड़, वाइट पेड़, हाँ अभी मार्क किया। अंदर गया होगा अभी, चला गया होगा अंदर। नाइट पॉसिबल है क्या? लग रहा है चांस है, थोड़ा माँ अरे टाइगर दिखा, क्या करने का इधर नाइट करते हैं, करने का है चलो करना है नाइट होगा। जंगल की कहानी अभी तक समझी नहीं थी, बिना कुछ प्लानिंग के ना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध जंगल सफर हो रहा था। नाइट सफारी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम भी कोई जैसे है जैसे बरही है, कोई अनकही कोई अनसुने बात ही मेरी में कह रही है। शमी कोई जैसे बरही जैसे बरही है, कोई अनकही कोई अनसुने बात ही मेरी में कह रही है। कहीं ना कहीं जगी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं कोई उसी है मैं और तू। Ta-da!
Emad hamsh dono gumsum hai nigahe jo kehti hai sunti hai fizaaye gumsum hai nigahe hai na la 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 वो आधे तक आ चुका था इधर, फिर रात को वहीं गए, वहाँ कुछ कॉल भी नहीं, कुछ नहीं पता नहीं, वही सोया होगा था। हाँ मैं वो कुरेगढ़ तक गया था, एक बार और आता हूँ। फीमेल टाइगर को छोड़ के सब लोग कुरेगढ़ नाम के एक मेल टाइगर के पीछे पड़े थे। वो इस रूकड़ बफर जोन का किंग है। जंगल सफारी करते वक्त कुछ लक्ष्य रखो, जैसे कि टाइगर देखना है या लेपर्ड या भालू देखना है। अगर सभी को टारगेट करोगे तो शायद कुछ भी नसीब नहीं हो, कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर छूटेगी और वो चीज़ छूटने का दुख अलग से। इधर आया था क्या? हाँ। मतलब ये कब का होगा? रात का? इतना जल्दी का मतलब इधर ही होगा फिर तो। क्या हुआ? नहीं मिला, आज के दिन खराब है पूरे। पूरेगा यहीं पे दिखा बोलते एक को। क्या था? नहीं होगा यार भाई, वो बोले भी ना चौकीदार इधर कॉल हो रहा है। अभी साइड से तो सब समझ ही जाएगा ना, कंफ्यूजन के लिए किंगफिशर तो है नहीं। किंगफिशर गए गोवा। मेल टाइगर देखना मुझे बहुत पसंद है। मेल टाइगर देखना पसंद इसलिए है मुझे कि मेल टाइगर सबसे बड़ा चैलेंजर है, क्योंकि चैलेंज ऐसे है कि फीमेल टाइगर एक छोटा टेरिटरी में अपना पूरा का पूरा जो बिहेवियर है वो मैनेज करता है, लेकिन मेल टाइगर का ऐसा है कि वो टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि मेल टाइगर करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर में उसको ढूंढना है। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में करीब ढूंढना है मतलब कब कहाँ किधर मिलेगा वो पता नहीं होता। लेकिन जब वो मेल टाइगर जब हमें मिलता है ना, जो ट्रैकिंग करते हैं और जब मिलता है ना, तो एकदम अलग लेवल में हम चले जाते हैं कि ऐसे कि हमने आज मेल टाइगर को ट्रेस किया, जो कि बहुत मुश्किल था वो। अगर मैं हजारों पैसे खर्च करके जंगल सफारी जा रहा हूँ तो क्या ये मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ के गाइड या टूरिज्म पे बाघ दिखाने का प्रेशर डालू? क्या गाइड या यहाँ के टूरिज्म पे आने वाले इस पीयर प्रेशर का सीधा असर बाघ के अस्तित्व पे तो नहीं हो रहा? या क्या किसी भी व्यक्ति के दिमाग के ऊपर मैं हावी तो नहीं हो रहा? या क्या मैं सभी के ऊपर का प्रेशर छोड़ के शांति से अपने लक के भरोसे जंगल सफारी करूं? या क्या बाघ को इम्पोर्टेंस नहीं देके मैं सिर्फ जंगल का आनंद लूं?